गोरखपुर जिले में शनिवार को 153 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 82 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,164 हो गई है। अब तक 263 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 14,038 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 1,863 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, अगर शहर की बात करें तो 86 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार को सबसे अधिक 31 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 13, शाहपुर थाना में 23, रामगढ़ ताल में 7, कोतवाली में 7, गुल्हरिया में 2, राजघाट में 1, चिलुआ ताल में 1, तिवारीपुर में 1 मरीज मिले हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 50 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 11, खोराबार में 2, पिपराइच में 1, कैंपियरगंज में 2, ब्रह्मपुर में 1, खजनी में 4, बहालगंज में 2, कौड़ीराम में 2, भटहट में 2, सहजनवा में 8, गोला में 2, उरवा में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 17 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।